सुना प्लाट में आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी बच्चे थे उन लोगों को हम लोगों ने कराटे की जानकारी दी और उन लोगों को सभी को हम लोगों ने जोड़ा। हमारे ब्लॉक में कम से कम 20 से 30 प्रशिक्षक जो है कराटे में जुड़ के तैयारी करके 28 से 29 फरवरी को हम लोगों ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लिया। इसमें से सभी बच्चों ने लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 6 गोल्ड और 10 रजत और 6 कांस्य और 5 ट्रॉफी हासिल की। मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे हमारे बसना में हमारे महासमुंद जिला में पहली बार इतना मेडल लाए हैं, खेल के प्रति इतना रुझान दिए हैं और अपना कड़ी संघर्ष करके खेल कूद में इतना भागीदारी प्रदान कर रहे हैं। और हम लोगों को सर बहुत सारी असुविधाएं भी हुई, हम लोगों को मैदान भी लॉकडाउन के चलते हम लोगों को असुविधा भी हुआ, मेट भी हम लोगों को नहीं मिला, मैदान भी नहीं मिला। तब से भी हम लोगों ने जगह जगह पर कार्यक्रम संचालन करके तैयारी किए और तैयारी करके हम लोगों ने जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुआ उसमें हम लोगों ने भाग लिया। तो मैं सभी दर्शकों से यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आजकल हो रहे अत्याचारों या फिर घटनाओं को नज़रअंदाज ना करते हुए सेल्फ डिफेंस कराटा मार्शल आर्ट में बच्चों को जोड़ें और उनको जानकारी प्रदान करें ताकि अपने आप को सुरक्षित हो हर जगह महसूस कर सकें। आप सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? सर जिस तरह के तरीके से हम अभी आजकल के डेट में एक महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, उस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों को सहायता प्रदान किया जाए, हम लोगों को भवन या फिर ऐसा मेट सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि हम लोग जगह जगह कार्यक्रम को संचालन कर सकें। और जो सबसे जरूरी है 354 जो छेड़खानी करते हैं जी, मात्र जैसे पकड़े मतलब वो 354 लग गए महिला की लज्जा को भंग करने के प्रयोजन से उसके प्रहार करते हैं या कोई आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं और उसमें भी फिर 354 में का मतलब अलग अलग धारा उसमें बढ़ते गया है और जैसे कोई अपहरण करके ले जाता है तो उसमें 363 लग गए धारा बगैर बताए उसके लिए ले जाते हैं ना जी, उसके लिए 363 और 366 विवाह आदि करने के लिए भी वश करने के लिए है। जो नहीं करना चाह रहे हैं फिर वो लोग नई शादी जबरदस्ती करते हैं, उसके 370 मानव तस्करी जो लेबर के लिए जाते हैं उसको वो अपने स्वेच्छा से जाते हैं, अगर किसी को बोलते कि नहीं मेरे को मजबूरन ले जा रहे हैं उसके लिए 370 और ये 372 हमारे नए फैशन की मतलब बहुत आ रहे हैं और 376 वो बलात्कार वाला केस है, आप लोग तो जान रहे हो कि क्या है उसको। ये 498 ये पति द्वारा अत्याचार करने के अभी उस लेवल में नहीं हो, घर पे और जो है भाभी है या दीदी है उनको बता सकते हो। 498 का महिला के पति या पति के रिश्ते द्वारा किए गए अत्याचार के और 509 स्त्री की लज्जा का अनादर करना मतलब किसी भी स्त्री के लज्जा को भंग करना 509 है। साइबर का भी पूरा बहुत जो हो रहा है ना अभी मोबाइल सब सभी के हाथ में रहता है कि मेरे मोबाइल पाली तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ऐसे करके, तो साइबर का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उससे बचत के लिए हम लोग ने एक नया नंबर वो किया है चालू किया है, इसमें नहीं है मेरा नंबर रखो उसको मैं बता दूँगी मैडम से पूछ के। उसमें क्या है जैसे आपको कुछ बताना रहेगा कुछ आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं तो उसमें आपने शिकायत कर सकते हैं उस नंबर पे कॉल कर लो, फिर मैं जैसे हो रहेगा सरकारी नंबर मैं पता करती हूँ उसमें फिर अपना उसमें आप लोग ना मैसेज कर सकते हैं कोई भी अगर आपको परेशानी है कोई भी कोई परेशानी कर रहा कोई लड़का आपको कुछ गलत बात बोल रहा है या आप किसी को बताने के लिए डर रहे हो ठीक है मैं शेयर नहीं करूँ बस बताना कि मैंने डिजाइन की ना मैसेज क्योंकि मेरे को ये परेशानी है करते फिर हम लोग जाकर उसको सही हो जाएगी या मोबाइल से बोलता है कोई
व्हाट्सएप के माध्यम से जी, मेरा नाम ऐश्वर्या राजपूत है, मैं बसना क्षेत्र हूँ। जी हम लोग अभी अभनपुर रायपुर गए थे, हम लोग ने 27-28 मार्च को हमारा स्टेट लेवल का अभी कराटे चैंपियनशिप में हम लोग भाग लिए। बसना से कितने प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लिए थे और क्या क्या उनको मेडल मिले? बसना से कुल 25-30 प्रतिभागी थे, उनमें से बहुत लोगों को 10-15 लोगों को स्वर्ण और बहुत सारे लोगों को रजत एवं कांस्य। और कुछ आप यहाँ पे स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस पर जाना चाहेंगे? जी, क्योंकि हम जब गए थे यहाँ से तो यहाँ से बहुत हमें सहयोग मिला, तो हम अपने सहयोग जब हम ये जीत कर आए हैं तो यहाँ हम इन्हें अभिवादन देना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे थाने के परिसर में पूरा घूमे, यहाँ पे आपको महिला सुरक्षा के बारे में भी बताया गया जी, तो कैसा लगा आपको सब जानकर? जी बहुत अच्छा लगा कि महिला के बारे में बहुत सारी, मतलब कि हम लोग जो महिला है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे जो धाराएं हैं वो बताया गया, हम अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं, ये हमको सारी जानकारी दी गई।